दोस्तों पिछले सप्ताह मैं पर्थ से क्वींसलैंड के केयंस शहर में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जियोटेक्निकल इंजीनियर्स की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था। इस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया था। इस दौरान वहां पर उपस्थित दुनिया के टॉप जियोटेक्निकल इंजीनियर्स जैसे प्रोफेसर हैरी पोलस, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन की डिज़ाइन की है, उनसे मिलने का अवसर भी मिला। कॉन्फ्रेंस के लास्ट दिन हम लोग केयंस सिटी से कुरंडा गांव तक चलने वाली रेल लाइन की सिविल इंजीनियरिंग को देखने गए। दोस्तों इस रेल लाइन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को ऑस्ट्रेलियन सिविल इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। सबसे पहले हम लोग कुरंडा गांव स्काई रेल से गए। यह स्काई रेल दुनिया के ओल्डेस्ट 1800 लाख साल पुराने डेंट्री रेन फॉरेस्ट से होती हुई जाती है। कुरंडा पहुंचकर हम लोगों ने इस गांव को एक्सप्लोर किया। फिर दोपहर के 3:30 बजे हमारी कुरंडा गांव से केयंस शहर की ट्रेन थी। इस गांव का स्टेशन बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े सुंदर पेड़ पौधे हैं। स्टेशन पहुंचकर हम लोगों ने अपना टिकट कंफर्म किया। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहले से खड़ी थी। अभी ट्रेन रवाना होने में थोड़ा समय था तो मैं स्टेशन को घूमकर एक्सप्लोर कर रहा था। स्टेशन से ज़्यादा यह एक सुंदर बॉटनिकल गार्डन लग रहा था। लोग बेंचेज पर बैठकर ट्रेन के रवाना होने का इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों इस रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन मई 1886 में शुरू हुआ था। अबाउट 1500 वर्कर्स एंड इंजीनियर्स वर एम्प्लॉयड एट द हाइट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। मोस्टली ये लोग आयरिश एंड इटालियन डिसेंट से थे। यह प्रोजेक्ट 5 साल के बाद 1891 में पूरा हुआ। ट्रेन अंदर से एकदम पुरानी साई स्टाइल की दिखती है। अब हमारी ट्रेन कुरंडा गांव से रवाना हो गई। लोग अपने दोस्तों को गुड बाय बोल रहे थे, यहाँ तक स्टेशन स्टाफ भी विजिटर्स को गुड बाय कर रहा था। छुक छुक करते हमारी ट्रेन ऑस्ट्रेलिया के इस यूनेस्को हेरिटेज लिस्टेड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से गुजर रही थी। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन एक जगह रुकी। मैं भी ट्रेन से नीचे उतर गया। मैं ट्रेन के पिछले डिब्बे में बैठा था। इस जगह सभी लोग ट्रेन के इंजन की तरफ कुछ देखने जा रहे थे। टीटी ने अनाउंस किया कि ट्रेन 10 मिनट ही रुकेगी, तो मैं भी तेज़ी से आगे बढ़ा। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के नीले आसमान के नीचे रेन फॉरेस्ट एंड एक डीप वैली दिखाई दे रही थी। जब थोड़ा आगे देखा तो पता चला यहाँ पर एक बहुत सुंदर वाटरफॉल है। सभी लोग इसको देखने अपने कैमरे में अपने दिल में कैद कर रहे थे। दोस्तों इस जगह का नाम बैरन वाटरफॉल है। अब हमारी ट्रेन के यहाँ से रवाना होने का समय हो गया। चलती ट्रेन से यह जगह और ज़्यादा सुंदर लग रही थी। दोस्तों इस ट्रेन लाइन पर लगभग 55 स्टील एंड वुडन ब्रिजेज हैं, 15 हैंड कार्व्ड टनल्स हैं जिनकी कुल लंबाई 1700 मीटर से ज़्यादा है। सबसे लंबी टनल 470 मीटर लंबी है। इस लाइन पर लगभग 98 घुमाव भी हैं। दोस्तों अभी जो सीन आप देख रहे हैं यह हमारी ट्रेन स्टोनी क्रीक्स फॉल्स ब्रिज को अप्रोच कर रही है। यह ब्रिज इस रेल लाइन का सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर है। ब्रिज के एक तरफ गहरी घाटी है और दूसरी तरफ एक विशाल पहाड़ से एक झरना बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यह झरना इस ट्रेन को नहलाने के लिए ही बह रहा हो। दोस्तों यह ब्रिज एक 4 chain radius का स्टील ब्रिज है जो कि लगभग 80 मीटर के कर्वेचर पे बना हुआ है। यहाँ ट्रेन के लोको पायलट ने स्पीड बिल्कुल धीमी कर दी, जिससे यात्री इस सुंदर ब्रिज की इंजीनियरिंग और दूसरी तरफ प्रकृति की इंजीनियरिंग जो एक सुंदर झरने के रूप में दर्शन दे रही थी का आनंद ले सके। दोस्तों इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने पर क्वींसलैंड के गवर्नर के लिए यहाँ एक स्पेशल लंच पार्टी दी गई थी। रेलगाड़ी फिर धीरे धीरे एक के बाद एक टनल से गुजरती हुई केयंस सिटी की तरफ आ रही थी। अब हम लोग फ्रेश वाटर कस्बे को अप्रोच कर रहे हैं। इस टाउन का नाम फ्रेश वाटर इसलिए पड़ा क्योंकि केयंस से निकलने के बाद यह पहली जगह थी जहां परमानेंट फ्रेश वाटर क्रीक से रिलायबल वाटर सप्लाई हो पाती थी। दोस्तों यह एक बहुत ही सुंदर कस्बा है। आशा करता हूँ कि आपने इस रेल यात्रा का आनंद लिया है और क्वींसलैंड घूमने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। धन्यवाद।